स्वागत है आपका मेरे को न्यू व्लॉग में, जिसका नाम है दीपक ठाकुर व्लॉग। सो गाइज, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार का। आज के व्लॉग में मैं आपको दिल्ली से हरिद्वार की पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ और ये जर्नी हमारी बस से होने वाली है। सो गाइज, आज के व्लॉग में मैं आपको ये दो पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको दिल्ली से हरिद्वार कैसे जा सकते हैं, दिल्ली से हरिद्वार का बस का क्या किराया होने वाला है, अगर आपको हरिद्वार से आगे जाना है तो कैसे जा सकते हैं, हरिद्वार में धर्मशाला और होटल का क्या रेट पड़ने वाला है और गंगा आरती क्या टाइमिंग है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दूसरे पार्ट में मैं आपको मनसा देवी के दर्शन कराने वाला हूँ। सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबको मिलती रहे। तो चलिए, हरिद्वार जाने के लिए हमें दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे पे आना होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। अड्डे पर इंक्वायरी काउंटर बने हैं, आप अपनी बस के बारे में यहाँ से पता भी कर सकते हैं। पर वेटिंग हॉल भी बनाया गया है, अगर आपकी बस लेट हो तो आप यहां अपनी बस का वेट भी कर सकते हैं। इसे हरिद्वार जाने के लिए आपको बस अड्डे पर कई बसें खड़ी मिल जाएगी, जो दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून रूट की जाती है। यहां आपको उत्तराखंड परिवहन और प्राइवेट की वोल्वो बसें भी मिल जाएगी। यहां आपको किसी भी टाइम हरिद्वार के लिए बसेस मिल जाती है। जो हमारी दिल्ली से जर्नी स्टार्ट हुई थी हरिद्वार की, वो हुई थी रात के 1:30 बजे। जो हमारा होल्ट पड़ा था वो पड़ा था 1 घंटे बाद 2:30 बजे, और ये स्टॉप था मुजफ्फरनगर में। हमारी बस यहाँ पर आधा घंटा रुकी थी। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी दिल्ली से रात के 1:30 बजे, और हमें बस ने हरिद्वार पहुंचाया 6:30 बजे। तो हमारी दिल्ली से हरिद्वार की टोटल जर्नी हुई 5 घंटे की। सो गाइज, अब बात करते हैं कि हमें बस का किराया कितना पड़ा। तो हमें जो किराया पड़ा है वो पड़ा है 365 रुपए। हर बस अड्डे के सामने ही आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार रेल से आते हैं तो आपको इसी स्टेशन पर उतरना होता है। तो गाइस, ये है हरिद्वार के हर की पौड़ी की मार्केट। हाँ, मार्केट में आपको कई सारी दुकानें मिल जाती है, जहाँ शंकर भगवान से रिलेटेड सारा सामान मिल जाता है, जैसे शिवलिंग, शंख, मंदिर, रुद्राक्ष, डमरू आदि सामान मिल जाते हैं। यहाँ शंख की काफी सारी वैरायटी देखने को भी मिल जाती है, जिसका प्राइस 200, 500, 1000, 2000 तक जाता है। इनमें ही आपको कई सारी धर्मशाला और होटल भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका किराया मैं आपको आगे बताऊंगा। में ही आपको मां मनसा देवी का प्रवेश द्वार भी मिल जाएगा,
जहां से आप मां मनसा देवी मंदिर तक जा सकते हैं। गंगा जल भरने के लिए आपको बोतलें भी मिल जाती है जिन गाइस, ये है श्री गंगा प्रवेश द्वार, जहां आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। यहां आपको एक टोकन दिया जाता है जिसे आप दिखाकर अपने जूते चप्पल वापस लेते हैं। गंगा द्वार हर की पौड़ी, तो गाइस चलिए करते हैं माँ गंगा जी के दर्शन। गंगा जी की हर की पौड़ी तक जाने के लिए पहले यहाँ गंगा जल में अपने पैर धोकर आगे जाना होता है। हर की पौड़ी के गेट में एंटर करते ही हमें नारायण भगवान, नारद जी और गरुड़ जी के दर्शन हो जाते हैं। नारायण भगवान के दूसरी तरफ भगवान शंकर जी की प्रतिमा के दर्शन भी हो जाते हैं। चले गए, चलते हैं माँ गंगा जी के दर्शन के लिए। एंटर करते ही आपको माँ गंगा का एक मंदिर भी दिखाई देगा, जहाँ माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ अन्य देवी देवताओं भी स्थापित किए गए हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। उत्तराखंड का एक शहर हरिद्वार, जहाँ लगता है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला। गंगा के तट पर बसा ये नगर बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। गाइस करते हैं माँ गंगा जी के दर्शन। यहीं पर आपको सूर्य नारायण भगवान का एक मंदिर भी मिल जाता है, जहां पर आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये मंदिर है माँ चामुंडा देवी का, जहां पर माँ चामुंडा देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। यहाँ भक्त माँ चामुंडा देवी के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को स्थापित किया गया है। यहाँ मंदिर में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। वहीं पर श्री राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, माँ मनसा देवी, गंगा माता के दर्शन भी एक ही मंदिर में आपको हो जाते हैं। हरिद्वार का प्राचीन नाम माया नगर या मायापुरी है। हरिद्वार अर्थात हरि के घर का द्वार, इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। गंगा हरि के घर से निकलकर यहाँ मैदानी इलाकों में पहुँचती है। हरि अर्थात बद्रीनाथ, विष्णु भगवान जो पहाड़ों पर स्थित है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी नाम से प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी की दीवारों पर यहाँ पर नारायण भगवान की
समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है, जहां पर भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके एक तरफ देवताओं और दूसरी तरफ असुरों को अमृत बांटते हुए दिखाई देंगे। और यहीं दूसरी तरफ भगवान शंकर का दृश्य भी दिखाया गया है, जहां पर ऋषि मुनि भगवान शंकर से अनुरोध करते हैं कि वे गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करें। यहाँ लोग अपने पूर्वजों और पितरों की शांति के लिए पूजा करवाने के लिए और पिंड दान करने के लिए भी आते हैं। हरिद्वार को भारत की 7 प्राचीन नगरियों में से एक माना जाता है। पुराणों में इसकी सप्त मोक्ष दायिनी पुरियों में गणना की जाती है। हरिद्वार गंगा के पावन तट पर बसा है। कहा जाता है समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थान पर गिरा था, इसलिए यहाँ पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति में पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्री नारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के पवित्र तीर्थों के लिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहां पवित्र गंगा हर समय उन्हें छूती है। हरिद्वार में शांति कुंभ स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तप किया था, तो दूसरी ओर सप्त ऋषि आश्रम में सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। ये स्थान कई ऋषि और मुनियों की तपोभूमि रहा है। इसके अलावा श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने हरिद्वार में जूट की रस्सियों के सहारे नदी को पार किया था, इसे आज लक्ष्मण झूला कहा जाता है। कपिल मुनि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कपिला स्थान भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब राजा को वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ शक्ति त्रिकोण अर्थात पहला मनसा देवी का खास स्थान है, दूसरा चंडी देवी मंदिर और तीसरा माता सती का शक्ति पीठ, जिसे माया देवी शक्ति पीठ कहते हैं। यहाँ माता सती का हृदय और नाभि गिरे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। हरिद्वार में गंगा आरती एक विशेष महत्व रखती है। हरिद्वार में ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। हरिद्वार की तर्ज पर बाद में गंगा आरती का आयोजन ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में भी होने लगा। सब मिल बोलो जय मां गंगे, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, अति तपावनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, पाप नाशिनी जय मां गंगे, संकट हरिणी जय मां गंगे, मंगल करिणी जय मां।
बोलो श्री मैया की जय, श्री मैया की जय, श्री मैया की जय। तो गाइज ये है आरती के बाद माँ गंगा जी की पालकी में माँ गंगा जी के दर्शन। और ये है माँ गंगा जी की आरती। यहाँ पर माँ गंगा जी की आरती के बाद विशेष तौर पर भक्त यहाँ गंगा जी में दोने छोड़ते हैं। तो गाइज बात करते हैं अब गंगा आरती की टाइमिंग की। तो गाइज अगर आप सुबह आना चाहते हैं गंगा आरती में तो आपको यहाँ सुबह 5:30 बजे आना होगा। अगर आप शाम को दर्शन करना चाहते हैं तो शाम को यहाँ पर 7:30 बजे आरती शुरू होती है। तो गाइस ये है माँ गंगा जी की हर की पौड़ी की मार्केट का रात का नजारा। बात करते हैं अगर आपको हरिद्वार से आगे जाना है सोन प्रयाग रुद्रप्रयाग देहरादून ऋषिकेश तो आपको ऐसी ट्रैवल एजेंसी मिल जाती है, यहाँ आप अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं। गाइस बात करते हैं यहाँ पर रुकने की, तो रुकने के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर धर्मशाला रहती है। यहाँ धर्मशाला के रेट 400 रुपए इस धर्मशाला के पड़ते हैं। चलिए गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन भी जरूर कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माँ गंगी।